प्रदेश सहित खरगोन जिले में चालक परिचालक संघ ने भी 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने और 3 माह निकलने के बाद आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे चालक परिचालक संघ ने अपनी मूलभूत मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने मीडिया से खास बातचीत में बताया कि हमारी भूखे मरने की नौबत आ गई है, बावजूद इसके शासन प्रशासन स्तर पर हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है। वहीं मीडिया के माध्यम से पूरे मामले को लेकर संघ के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। प्रदर्शन हमारी कुछ मांगे हैं, जो कि लॉकडाउन को 4th महीना चालू हो चुका है। 4th महीने से हम लोग हमारे परिवार पोषण चलाना मुश्किल हो रहा है और हमको अभी तक राज्य शासन या केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है। हम 4 बार आवेदन दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 27 तारीख को हमारी भोपाल में 52 जिलों की मीटिंग हुई थी, उसमें ये हम लोगों ने सबने सर्वसम्मति से विचार किया कि हम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक धरना आंदोलन करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारा धरना आंदोलन के बाद भी हमारी कोई समस्या की सुनवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल पर जा सकते हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा सकते हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि 6 महीने का महावेतन हमें 7,500 रुपये के महीने से दिया जावे और श्रम विभाग से हमें जिस मालिक की गाड़ी चला रहे हैं उससे हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए और चालक परिचालक को सामाजिक कल्याण संस्था को जो भी राशन है वो फ्री दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश सेन, चालक परिचालक जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।